तो तो बता नहीं सकता अच्छा। <laughs> तो वो वो हूँ देख तो रहे थे घर वाले ये हाँ। भाई साहब तो करी जा रहे हैं करी जा रहे हैं लेकिन साथ साथ मैं यही कहता था कि अब, अब मैंने कभी ये जिक्र नहीं किया है आई वॉन्ट टू बी एन आर्टिस्ट

और ऑब्वियसली आई वाज टेकिंग माय टाइम एज वेल क्योंकि आपको होता है आप मुझे ये चीज़ भी रियलाइज हो गई थी कि शायद अभी मेरी उम्र इतनी कम है तो शायद ये सिर्फ वो एक जो शौक शौक, शौक नहीं होता yeah. जो बहुत लोगों को होता है आई एम श्योर हर बंदे को तो नहीं बट मोस्ट ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द पीपल उनको होता है कि यार हम भी एक्टिंग करें या कुछ भी जो भी तो वो भी एक चीज़ मेरे बैक ऑफ माई माइंड थी मैंने कहा कि ये ना हो कि ये सिर्फ एक वो टेम्प्रेरी सा शौक हो और चले लेके मैं नहीं करना चाहता यह. ये ये पैशन hmm. शायद मेरा ना हो hmm. तो जो कि मुझे लग रहा था कि मेरा पैशन है बट शायद हो सकता है मेरा पैशन ना हो hmm. मैंने कहा टाइम मैं यूनिवर्सिटी आया हूँ मैं बाहर का एक्सपोजर मुझे मिल hmm. रहा है मैं लोगों से मिल रहा हूँ ऑब मचोर आप विध टाइम तो आई एल बी इन अ बेटर पोजिशन आफ्टर वंस माई ग्रेजुएशन इज ओवर या क्लोज टू माई ग्रेजुएशन टू डिसाइड वट आई वॉन्ट लाइफ तो लेकिन वो चीज़ ख़त्म होने की बजाय या उसमें वो बढ़ती जा रही थी वो इस हद तक बढ़ गई कि मैंने कहा बस अब तो वापस पहुंचना है और बस हाँ। शुरू हो जाना है कुछ करना है हाँ। तो हाँ। बस वो चीज़ वहाँ तक थोड़ी प्रोलॉन्ग की गई फिर वापस आया अब मज़े की बात आखिरी साल मैं शीशे के सामने खड़ा होकर स्पीचेस प्रिपेयर करता था अच्छा कि कि मैंने अम्मी से क्या बात कभी oh कभी कभी कोई चीज़ सोच रहा, कभी कुछ सोच रहा थोड़ा रो के बात करूं थोड़ा रो करूं।, के बात करूं नहीं मानेंगे गिर जाऊंगा पैरों में और ये वो क्योंकि मुझे ऑनेस्टली नहीं पता था मुझे क्या रिएक्शन मिलेगा और बस वो वापस आए आखिर अबू से अम्मी से मुलाकात हुई है वो उन्होंने पूछा हाँ जी क्या प्लान है मैं सोच रहा हूँ कुछ इस तरह उस टाइम भी बस वो ऑन स्पॉट उन्होंने रख दिया तो फिर मैंने एक दो बॉन्गियां मार दी फिर मैंने एक और चीज भी मेरा है जरा हल्का सा तो उन्होंने टू माय सरप्राइज खुद ही बोल दिया दोनों, नहीं मतलब वो एक बड़ी फॉर्मल सी मीटिंग हो रही थी ओवर ब्रेकफस्ट तो उन्होंने खुद ही बोल दिया कि

अब आई बिन वेरी ब्लेस्ड जिस तरह से अमी अबू ने मतलब uh, कह रहे हैं तरबियत की है एट एनी स्टेज ऑफ लाइफ इन एनी फेज ऑफ लाइफ देव टॉट अस टू यू नो वर्क हार्ड फॉर आर गोल्स एंड फॉर आर ड्रीम्स और uh, वो शायद अब बात समझ भी आ गई है कि वो यू आर नॉट डूइंग एनी वन एनी फेवर्स अगर आप कोई वो नहीं कर रहे तो अगर आप उस पर नहीं कर रहे अगर आप अपना उस चीज़ को मिसयूज करें या कुछ भी okay. तो ये करना समझ आ गई कि इस तरह से करना आपके लिए ही बेहतर है इन द लॉन्ग रन इन द शॉर्ट रन इन एवरी वे तो ऑब्वियसली मैं अपना नुकसान तो करना नहीं चाहता था तो मेरे का खैर है थोड़ा अगर मुश्किल भी होगा तो क्या इट्स फ़ाइन